नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज की हमारी वीडियो थोड़ी अलग रहने वाली, क्योंकि हम आज रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी मंदिर निकलने वाला हूं और कब वापस आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम ज्यादा अपडेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन से दुख दर्द या मुश्किलों को दूर करें और आप सभी की कामनाएं पूरी करें। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। तो हाल ही में डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें उनसे कई सारे सवाल किए गए थे। इसमें से कुछ सवालों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो डीआरडीओ की वर्तमान की कैपेसिटी को लेकर उनके एक सवाल किया गया था, जिसका जवाब देते उन्होंने बताया कि डीआरडीओ की कैपेसिटी पहले के मुकाबले अभी काफी बेहतर बन चुका है। 2020 में ही डीआरडीओ की तरफ से लगभग 6 हफ्ते के अंदर ही 12 मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जिसमें MRSAM, QRSAM, ध्रुवास्त्र मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, रुद्र मिसाइल, सैंड मिसाइल, पृथ्वी 2 मिसाइल और निर्भय मिसाइल जैसे और भी कई मिसाइल शामिल थे। इसी के साथ ही कई सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को इसी दौरान ही डिलीवर किया गया था। और अभी डीआरडीओ क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, एडवांस मटेरियल्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे और भी कई सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तेजस MK2 के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेजस MK2 प्रोग्राम अभी काफी एडवांस स्टेज में आ चुकी है और इसकी डिटेल डिजाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसके लिए अलग अलग पार्ट्स को भी बनाना शुरू कर दिया गया है। 2022 के अगस्त तक इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान भी किया जा चुका है। एमका के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि एमका की डिजाइन और प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2022 की मिड में तैयार करने का प्लान किया गया है और इसे बनाने के लिए अभी काफी सारे प्राइवेट कंपनियों के साथ भी बातचीत किया जा रहा है और HAL अभी इसे बनाने में लगभग कई सारे प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने वाला है, जिससे इसकी प्रोडक्शन में काफी तेजी आने वाली है। एरो इंजन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि भले ही हमारे कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन इससे हमें इंजन डेवलपमेंट से जुड़े हुए काफी सारे चीजें सीखने को मिला है और अभी हम अपने लिए एरो इंजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको एमका में इस्तेमाल किया जाएगा या फिर तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए अभी हमको काफी वक्त लगेगा। 2035 तक जब एमका की Mk2 वेरियंट को बनाया जाएगा तो उसमें देसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल अभी सभी एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो तेजस MK2 हो या फिर एमका की प्रोटोटाइप हो या फिर एमका की Mk1 स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन वेरिएंट हो, यहाँ तक कि ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की जो इनिशियल वेरिएंट रहेंगे उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे और भी कई सारे चीजों के बारे में उनको सवाल किया गया था, जिससे UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया या सबमरीन के लिए डेवलप किए जा रहे AIP सिस्टम का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, लेकिन अंत में उनको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किए जाने वाले लाइट टैंक को लेकर सवाल किया गया था। अब सबको पता होगा कि चाइना के साथ जब हाल ही में फेस ऑफ हुआ था तो हमें लाइट टैंक की काफी जरूरत पड़ी थी और उसके बाद आर्मी की तरफ से लाइट टैंक की तलाश करना शुरू किया गया था। अब चाइना पहले से अपनी लाइट टैंक को डेवलप कर चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने वहां पे तुरंत इनको डिप्लॉय कर दिया था, लेकिन भारत की बात करें तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक लाइट टैंक मौजूद नहीं था। तो डीआरडीओ की तरफ से भी एक इंडिजिनस लाइट टैंक को बनाने का फैसला किया जा रहा है। डीआरडीओ के चीफ का कहना कि अभी इसके लिए डिजाइन वर्क भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी इस टैंक में वो 1000 HP की इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसे स्पेशली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए ट्यून किया जाएगा और इसमें स्पेशली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए एक हाई अल्टीट्यूड पावर पैक को इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इसको डीआरडीओ K9 वज्र T के चेसिस को बेस करके बनाने वाला है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने वाली है, क्योंकि पहले सुनने को मिला था कि डीआरडीओ K9 वज्र T गन को बेस करके एक लाइट टैंक को डेवलप करने वाला है, लेकिन जो भी हो डीआरडीओ का कहना है कि यह टैंक मल्टीपल तरह के अमुनिशन को फायर करने की क्षमता रखने वाली है और जब इसको पूरी तरीके से डेवलप कर लिया जाएगा तो पूरे दुनिया भर में सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने वाला यह अकेला टैंक होने वाला है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है। आप सभी को पता होगा कि एक दिन पहले ही इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 75 क्लास की यानी कि कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन को शामिल किया गया है और इसी के साथ ही भारत की तरफ से अभी अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के फ्लीट को भी बिल्डअप करने पर फोकस करने का निर्णय लिया गया है। इसी बीच ये खबर सामने आई है कि 2021 में ही भारत अपनी सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को भी ऑफिशियली नेवी में शामिल करने वाला है। अभी इसकी फाइनल सी ट्रायल चल रहा है। हालांकि चाइना के साथ चल रही तनाव के दौरान ये बताया गया था कि इसे अभी नेवी में ऑपरेशनल कर दिया गया और बाद में इसको ऑफिशियली नेवी में शामिल किया जाएगा। INS अरिहंत की बात करें तो INS अरिहंत क्लास का दूसरा वेसल है और
डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग सेम है। ये भी आईएनएस अरिहंत की तरह ही 12K-15 मिसाइल को या फिर 4K-4 मिसाइल को कैरी कर सकता है। अभी ऑफिशियली K-15 मिसाइल को नेवी में शामिल किया जा चुका है और K-4 मिसाइल की फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल को 2020 में कंडक्ट किया गया है। इसी क्लास की बाकी दो वेसल की बात करें तो साइज में अपने दोनों सिस्टर वेसल्स के मुकाबले थोड़े बड़े हैं और इनका नाम S4 और S4 स्टार रखा गया है। अभी इनकी कंस्ट्रक्शन भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। इन सब के अलावा भारत अभी एक 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी बना रही है, जो कि भारत में बनाया गया अब तक के सभी न्यूक्लियर सबमरीन में से सबसे बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन होने वाला है। और उम्मीद है कि यह भी एक SSBN होने वाली है, जो कि अपने साथ एक बार में कम से कम 12 लॉन्ग रेंज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकेगा। इस वेसल का नाम S5 होने वाली है और इसको लेके काफी सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये SSN होने वाला है या फिर SSBN होने वाला है। अब जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट होते हैं तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं किया जाता है और पब्लिक डोमेन में बस उतना डाटा दिया जाता है जितना जानना जरूरी होता है और जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सभी को याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जिन जगुआर या फिर पुराने रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और स्पेशली जो जगुआर एयरक्राफ्ट है इनकी पार्ट्स अभी आसानी से नहीं मिलते हैं, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अलग अलग देशों से इन एयरक्राफ्ट को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि बाद में इनकी पार्ट्स को हमारे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी जब से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है तब से किसी भी पार्ट को बनाना पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रहा है और 3D प्रिंटिंग के जरिए हम किसी भी चीज को आसानी से बना सकते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी वजह से अपने पुराने एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट इशू को सॉल्व करने के लिए 3D प्रिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बताया गया कि जो भी इंडियन कंपनी अच्छे ग्रेड की पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाकर डिलीवर कर पाता है तो उनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से परमानेंटली सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। और अभी तो मिराज एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट भी सही से अवेलेबल नहीं होते और अगर इनको फ्रांस से ऑर्डर भी किया जाता है तभी हमको काफी महंगे पड़ते हैं या फिर ये आसानी से अवेलेबल नहीं होते, जिस वजह से इनको भी 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाने का फैसला किया गया है। इसमें मिराज एयरक्राफ्ट की इंजन के भी कुछ छोटे छोटे पार्ट शामिल है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने पुराने एयरक्राफ्ट की पार्ट्स को और एजिंग की वजह से खराब हुए बॉडी पार्ट्स को भी 3D प्रिंटिंग की मदद से रिप्लेस करने का प्लान किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो क्वालिटी इशू को लेकर और अभी इसमें DRDO और GTRE को भी शामिल करने का फैसला किया गया क्योंकि एरो इंजन की कोई भी कॉम्पोनेंट को बनाना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक अपडेट आया था जिसमें ये बताया गया था यूनाइटेड स्टेट अभी दुनिया का पहला ऐसा देश होने जा रहा है जो कि 2029 तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाला है और इसके बारे में पहले से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक बार बताया जा चुका है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की प्रोटोटाइप की पहली टेस्ट फ्लाइट को किया जा चुका है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से रिथियन के साथ लगभग $74 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था जिसके अंदर वो अभी MRAM मिसाइल के एक एडवांस वेरिएंट को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं और इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट की नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम या फाइटर भी शामिल है। इनिशियली अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने सभी F-22, F-35, F-16 और F-15 में नए MRAM मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा और 2029 तक यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स में एक नए फाइटर जेट को भी शामिल करने की बात सामने आई जो कि बेसिक यूनाइटेड स्टेट की 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाली है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट अभी एक नई 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने वाली जो कि उनकी F-16s को रिप्लेस करने वाली है और अभी वो एक लॉयल विंगमैन को भी डेवलप करने वाले हैं जिसको आप HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसकी कैपेबिलिटी भी उसी के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट क्वाड मीटिंग को लेके, आप सभी को पता होगा कि जल्दी ही क्वाड कंट्रीज के बीच पहला मीटिंग होने जा रहा है और इसमें सभी क्वाड कंट्रीज का जो मेन उद्देश्य रहने वाली है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का होने वाला है क्योंकि चाइना की वजह से ही क्वाड को फॉर्म किया गया है। तो जैसे जैसे क्वाड का गठन किया जा रहा है और क्वाड एक्टिव होने लगा है वैसे वैसे चाइना का चिंता भी बढ़ने लगा है और अभी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए चाइना की तरफ से स्टेटमेंट देना भी शुरू कर दिया गया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जाओ लिजियान ने बताया कि चाइना को क्वाड कंट्रीज के बीच होने वाली मीटिंग से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इसे रीजनल पीस को मेंटेन करने के लिए या फिर सभी की म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, लेकिन अगर इसे किसी तीसरे देश को एम करके किया जाता है या स्पेसिफिकली किसी देश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है तो ये सही बात नहीं है और चाइना ऐसे सिचुएशन में इसका विरोध करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।